और हाँ दोस्तों, सामान के बारे में आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सामान जो होता है वो आप एक बोरे में खुद से पैकिंग करवा के आए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैंने पहले से ही पूछ के रखा है कि जो सामान जो होता है उसकी ये पैकिंग करवाने की जो जिम्मेवारी होती है वो हमारी होती है। आप ऐसा ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ पर आएंगे सामान और वो कोई पैकिंग कर देगा, आपके काउंटर वाले पैकिंग नहीं करेंगे, पैकिंग आपको खुद करना पड़ता है। तो ये देखिए, हमने खुद पहले 3-4 कार्टून में हमने सामान भरा, फिर सब उसको बोरे में भरा और बोरे की सिलाई हमने घर से कर दी और घर पे करके लेके आए। चलिए, कुली है यहाँ पे? कुली नहीं है, चलना ये सेक्टर है। हाँ, कितने रुपए लोगे भैया? 9 नंबर काउंटर तक पहुँचा ना भैया? 50। अरे अंकल सही ले लो। अरे यार 40 ले लो। चलो, ये चूंकि हमें वीडियो बनाना है तो देखिए, हम वैसे तो मैं सामान उठा लेता लेकिन अभी हमें चूंकि वीडियो बनाना है तो हम सामान एक कुली से कहीं करवा रहे हैं जो 40 रुपये ले रहा है। तो देखिए, हम दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आप देख ही सकते हैं हमारे कितने पैसे लग रहे हैं और ये सिर्फ हमने आपके लिए बनाया है या आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, आपको सारी चीज़ें हम लाइव करके दिखाएंगे। ये देखिए, हम लोग 9 नंबर काउंटर पे आ रहे हैं। अरे भैया, हम लोग ये मत बना। अच्छा, ये मत बना। ये हो गया। तो इस पे ही भर लेना, रख के पेन नहीं लाया मैं तो, मांग ले यार पेन। पहले हम इस फॉर्म को भरेंगे। इस फॉर्म हमें इसमें दो चीज़ हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक ये फॉर्म दिया जाएगा, आपको ये फॉर्म भरना होगा और साथ में आपको जिस ट्रेन से आपको भेजना है उस ट्रेन की टिकट होनी चाहिए। उस ट्रेन की टिकट में आपको GST इन नंबर होगा, वो GST इन नंबर रखेगा। तो ट्रेन की टिकट की एक कॉपी और आपकी एक आधार कार्ड या फोटो आइडेंटिटी कार्ड की, किसी भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड की एक कॉपी, आपके ट्रेन के टिकट की एक कॉपी, आपको ये फॉर्म वहाँ से मिल जाएगा जहाँ से काउंटर से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं ये फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। चलो, हमने अपने सामान को जो था, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपना एक मार्कर लेके चलेगा। मार्कर इसलिए क्योंकि आपका जो सामान होता है, लगेज जो होता है, उसे जब आप बोरे से पैक करवा देंगे या फिर कार्टून से पैक करवा देंगे, एक मिनट रुक, जब आप बोरे और कार्टून से पैक करवा देंगे तो उसके ऊपर आपको मार्कर से, परमानेंट मार्कर से अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, कौन से स्टेशन से भेज रहे हो और किस स्टेशन पर भेजना है ये करना पड़ता है। हमें यह पता नहीं था, हमें 20 रुपये दे के यहाँ पर मार्कर लेना पड़ा और मार्कर से फिर सामान लिखना पड़ा। अब ऐसा हो गया, मार्कर से सामान नाम लिखने का डिटेल लिखवा लिया। ये जो आपने अभी फोटो देखा है, ये जो फोटो है, यह फोटो आपको ये बताएगी कि वो जो फॉर्म सबसे पहले हमने भरा था वो फॉर्म कैसे भरते हैं। फॉर्म को इस स्टाइल में भरिए, उस फॉर्म को लेके वजन करवा लीजिएगा और जो सामने एक वजन करने के, जहाँ पे भी आप वजन करेंगे वहाँ पर एक आदमी बैठता है काउंटर के बगल में, जो सारी फॉर्म्स के डिटेल पर वो आपके अपने वो रेलवे के जो नेटवर्क है उसमें डालता है, अपने सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में वो सारी डिटेल्स डालता है और उसके बाद फिर आपको काउंटर पर जाकर, 9 नंबर काउंटर पर जाकर पैसे देने पड़ते हैं वजन के हिसाब से। क्योंकि हमारे लगभग 35 किलो का सामान था, हमारे लगभग 213 रुपये लग पड़ गए। एक बार वो सामान का आपने जो बिल, आपको वो दो रसीद देगा, वो दो रसीद लेकर आपको गोडाउन में जाना है, वहाँ पर जाकर गोडाउन में जब आप चले जाएंगे तो वहाँ पर 3 या 4 आदमी बैठते हैं, वो आपके ऊपर रेलवे का अपना जो मार्कर रहता है अपने मार्कर से वो लिखेंगे। तो यह बात ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपने जिस दिन का टिकट करवाया उसी दिन उसको भेजा जाए, इस बात को देखने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पर।
भेजना था उस ट्रेन की एक समरी निकलती है, समरी में कौन कौन से सामान जा रहे हैं उसकी डिटेल दे दी जाती है। तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो जो समरी जो निकली है आपके ट्रेन की, जो समरी निकली है उसमें आपका सामान है कि नहीं है। तो अभी हम यही करने जा रहे हैं, हमने सारा प्रोसेस कर लिया, बस एक बार पता करना है कि हमारा जो लगेज है वो आज मगध जो एक्सप्रेस है आज जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं, वो इसी काम का करवाने का पूरा पैसा लेते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है तो आप चाहे तो आप दलाल का यूज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत कम सामान था, अब मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप दलाल का यूज करें, क्योंकि बहुत छोटा सा काम है। सामान को उठाना है, फॉर्म लेना है, फॉर्म भरना है, सामान का वजन करवाना है, काउंटर पर जाना है और वजन के हिसाब से वो आपको पैसे काट के दे देगा, फिर उस सामान को उठाकर आपको गोडाउन में रखवाना है और गोडाउन में मार्कर से लिखवा लेना, बस इतना ही काम है। और उसके बाद जिस दिन आपकी ट्रेन निकलेगी, जिस दिन भी, मान लेते हैं हमने तो आज का ट्रेन का करवाया, आपने कल के ट्रेन का अगर करवाया हो, सर पटना का, सर आज मगध में हमने अपना सामान जो था जिसको रखवाया था उसकी, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वो जो सफ़ेद सेट थी उसमें जाकर हमने जो अंदर अधिकारी बैठे हुए थे उनसे जाकर यह पूछा कि हमारी समरी में मगध की जो समरी है उसमें चढ़ गई कि नहीं। हाँ वो चढ़ गई है। उसके बाद फिर उन्होंने हमें जाके बोला कि वहाँ जो गोडाउन है वो जहाँ हमने सामान रखवाया वहाँ जाकर हम जो लेबर हैं उनसे कन्फर्म करवा लें, उनको बोल दें कि आज जो मगध में जो ट्रेन में जा रही है उसमें देखा कि हमारे इतने सारे पैसे लग गए हैं और हमने आपको लाइव करके भी दिखाया कैसे काम होता है। हम आपको और बहुत डिटेल में यह दिखाते लेकिन वहाँ पे जितने भी अधिकारी थे उन्होंने हमें वीडियो बनाने से रोक दिया। अब पता नहीं क्यों रुका हमें, हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे लेकिन हमें बनाने से रोक दिया गया। लेकिन हमने हमसे जितना पॉसिबल हुआ हमने उतना वीडियो बनाया है और यही प्रोसेस होती है। चूँकि हमने पहली बार किया है, हम भी पहली बार ही कर रहे, तो हमने सोचा कि हम बाकी लोगों की भी मदद करते। तो ऐसे ही आप कर सकते हो और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर ले कृपया करके, क्योंकि हमारे बहुत सारे पैसे लगे हैं। तो हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस आपका एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं, आपका लाइक मांग रहे हैं जिसमें एक रुपया भी नहीं लगते। तो सब्सक्राइब और लाइक कर ले और ऐसे ही हमारे, और बेल का घंटा भी दबा दें जिससे हमारे जो नए नए वीडियोज आ रहे हैं वो आपको मिलते रहे। चलो थैंक यू दोस्तों।